वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेड्स की जो भी जॉब्स होती हैं, जैसे वेल्डिंग हो गई, प्लम्बिंग हो गई, ऑटो मैकेनिक, जौन से भी लेबर वाले जॉब्स होते हैं, स्किल्ड लेबर वाले जॉब्स होते हैं, उनके बारे में नॉलेज दूंगा। तो आज मेरे पास सुखविंदर है, ये मेरे साथ ही मेरे ही कॉलेज में मेरे ही प्रोग्राम में पढ़ा हुआ था, हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ाई की थी शेरिडन कॉलेज से। लेकिन आज सुखविंदर एज अ ऑटो मैकेनिक काम कर रहा है। तो आज सुखविंदर से जानेंगे कि ऐसी जॉब्स जो स्किल्ड लेबर वाली जॉब्स होती हैं, इनमें आप एंट्री कैसे पा सकते हैं, कैसे ऐसी जॉब्स ढूंढ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और कैसे इनका स्कोप क्या होता है ऐसी जॉब्स का, इनमें आपको प्रमोशन मिलनी होती है, आपका फ्यूचर का स्कोप क्या होता है, कितना कुछ आप इसमें से सीख सकते हैं और इसमें सैलरी का क्या स्कोप होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। मैं पंजाब से नामा शहर सिटी में से हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन कोर्स में अप्लाई किया था। तो मैं 2017 में यहाँ आया था और मेरा 2 ईयर्स विदाउट को अप मेरा कोर्स था, तो मैंने 2019 में वो फिनिश कर दिया था। कोर्स फिनिश करने के बाद मैंने 2019 में अपना वर्क परमिट अप्लाई किया और उसके साथ ही मैं जॉब्स ढूंढने लग गया था। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ ये जानना कि इनका जो प्रोग्राम था सेम प्रोग्राम था मेरे वाला ही, लेकिन इन्होंने विदाउट कोऑप लिया था और मैंने विद कोऑप लिया था। और विदाउट कोऑप लेने के बाद जब ये ग्रेजुएट हुए सुखविंदर, तो इन्होंने वर्क परमिट पे आने पे जॉब शुरू कर दी। तो क्या सुखविंदर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था ऑटो मैकेनिक का या उससे कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इंडिया से या यहाँ आकर जो भी आपने जॉब्स की थी, कोई भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस था? नहीं, मेरे पास एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेयरहाउस में ही जॉब किया था, तो मेरे पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। तो बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और फिर भी इन्होंने बाद में वर्क परमिट पे आके एक ऑटो मैकेनिक की जॉब ढूंढी और उस पर स्किल उसका लर्न किया। तो सुखविंदर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने ऑटो मैकेनिक की जॉब में एंटर कैसे हुए आप जब आपने ग्रेजुएट हो गए? तो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद मैं लूप शॉप में काम ढूंढने लगा और लाइक यहाँ पर वो गराज होते हैं, छोटे गराज होते हैं, तो उनमें बेसिकली आप ऑयल चेंज करते हैं, गाड़ी के टायर्स वगैरह चेंज करते हैं। तो मैंने रेज्यूमे के थ्रू वहाँ पर अप्लाई किया था और आपको पता होगा यहाँ पर एक मिस्टर लूप करके फ्रेंचाइजी है और उनके छोटे गराज होते हैं, तो वहाँ पर मुझे जॉब मिल गया था। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, लाइक बेसिक नॉलेज ऑफ कार्स, वहाँ पर हम टायर चेंज वगैरह करते थे और गाड़ी का ऑयल चेंज वगैरह। तो बेसिक जो भी कार की जो मेंटेनेंस होती है, एक रेगुलर कार की मेंटेनेंस होती है, वो चीज़ें आपने वहाँ उस लूप शॉप में पूरी सीख ली? हाँ, वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ ऐसे सीखी, लेकिन वहाँ पर मैकेनिकल वर्क इतना ज़्यादा नहीं होता था, लैसे के रिलेटेड टू इंजन एंड ट्रांसमिशन। रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा वहाँ पर हम लाइक लैसे के गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज करना, कैबिन एयर फिल्टर चेंज करना और लाइट्स वगैरह चेंज करनी, इससे होता इतना ही होता था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सीखना चाहता था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे और बड़ी गैराज में अप्लाई करना है, तो उसके बाद मैं और जॉब ढूंढने लग पड़ा था। आफ्टर वर्किंग 6 मंथ्स इन अ लूप शॉप, तो मैंने अपना नेक्स्ट जॉब ढूंढ लिया था ऑलमोस्ट। तो वो जॉब मैंने अपने रेज्यूमे के थ्रू ही ढूंढा और मैंने डिफरेंट मैकेनिक एक्चुअल मैकेनिक शॉप में अपना रेज्यूमे ड्रॉप किया, तो वहाँ उसके बाद मुझे एक वर्कशॉप में से कॉल आया, तो वो बोले कि ही इज़ विलिंग टू साइन मी एज अप्रेंटिस, सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ज़रूरी बात सुखविंदर ने बार बार ये बताई कि उनको जब भी कोई जॉब नहीं ढूंढी या उन्होंने ढूंढनी चाहिए, उन्होंने अपने रेज्यूमे थ्रू अप्लाई किया। मैंने आपको पहले भी चैनल पे बताया हुआ है, अगर आप कनाडा में एक ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं जो जॉब ढूंढना चाहते हैं अच्छी, रेज्यूमे बहुत हेल्प करता है, रेज्यूमे पे काम ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक प्रॉपर मैकेनिक बनना है, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए था। तो वो मैं जिस गैराज में काम कर रहा था, तो बेसिकली वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो मैं और जॉब ढूंढने लग पड़ा था। तो उसके लिए बेसिकली लाइसेंस के लिए आपको एज अप्रेंटिस आपको ज्वाइन करना होता है ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स में। तो बहुत ही ज़रूरी बात सुखविंदर ने ये बताई कि उनको रेगुलर मेंटेनेंस, एक प्रॉपर मैकेनिक बनने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस के लिए आपने बताया कि ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स के अंदर आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब कि आपको किसी एक प्रॉपर मैकेनिक के साथ काम करना पड़ेगा, कितनी देर के लिए?
ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स उनके साथ काम करना पड़ेगा और फिर वो आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, तो वो बेसिकली जब आप साइन करते हो अपने आपको एज अ अप्रेंटिस, तो वो आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देते हैं। तो उसमें बेसिकली आपके सारे आवर्स काउंट होते हैं मिनिस्ट्री में, और जब आपके आवर्स पूरे हो जाते हैं तो आप अपना एग्जाम राइट कर सकते हो। तो सुखिंदर, ये बताइए कि अप्रेंटिसशिप वर्क कैसे करती है? ओके, तो बेसिकली मैं अपने ऑटो मैकेनिक लाइसेंस की अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। तो जो मेरी अप्रेंटिसशिप है बेसिकली इज़ द 3 ईयर्स प्रोग्राम। तो अगर आप किसी ट्रेड में काम करते हो तो उस ट्रेड में आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको एज अ अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना होता है। तो अगर मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, तो मैं एज अ कार मैकेनिक काम करता हूँ, और मुझे फुली लाइसेंस मैकेनिक बनने के लिए मुझे अपने आप को एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन करना है इन अंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स, राइट। हर एक ईयर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, लाइक लेट्स से लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जब आप ऑल लेवल सारे क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपको एक फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपके पास लाइसेंस आ जाता है। तो और उस लाइसेंस को लेकर आप एक एज अ रजिस्टर्ड मैकेनिक किसी की भी गाड़ी को ठीक कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस खोल सकते हो एज अ मैकेनिक का। हाँ, उसके बाद आपका वेज रेट भी अप हो जाता है और आप अपना गैराज भी खोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए एम्प्लॉयर चाहिए होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती है ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स को, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फीस ही पे करनी होती है। तो अगर आप विदाउट एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपको कॉलेज का फीस देना पड़ता है, विच इज़ टू मच। तो अगर अप्रेंटिसशिप विदाउट एम्प्लॉयर होती है तो आपको कॉलेज की फीस पे करनी पड़ती है उस प्रोग्राम के लिए, और अगर विद एम्प्लॉयर होती है तो वो एम्प्लॉयर वो फीस कवर कर देता है। हाँ, तो बेसिकली वो एम्प्लॉयर के थ्रू आपकी सारी फीस वो कवर हो जाती है, सो यू हैव टू पे ओनली एग्जाम फीस। बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि हमेशा ही लगता था कि स्किल्ड लेबर के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, लेकिन जैसे सुगंध ने बताया कि ऑटो मैकेनिक, प्रॉपर ऑटो मैकेनिक बनने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, जिसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी और एक रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा ओंटारियो कॉलेज ऑफ ट्रेड्स के अंडर। पहले आप मिनिमम पेइंग वेज पे जॉब करते थे, जब आपने ये जॉब शुरू की तो कितना स्टार्टिंग सैलरी में डिफरेंस आता है या फिर स्टार्टिंग पे वेज में आवरली में डिफरेंस आता है? एक मैकेनिक की स्टार्टिंग आवरली वेज मैं अगर कहूँ, अगर आप फ्रेश हो तो ऑलमोस्ट $28 पर आवर से आपका शुरू हो सकता है। $28 एन आवर, और अभी मिनिमम वेज ओंटारियो में $14 एन आवर। कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग होती है, लेकिन ओंटारियो में $14 है, और जैसे सुखविंदर ने बताया कि $28 एन आवर से शुरू हो सकती है एक प्रॉपर मैकेनिक की, अगर आपको स्किल अच्छी तरह हो। सो सुखविंदर, रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा जब आप नई शॉप पे नई जॉब करने गए तो वहाँ आपने कौन कौन से स्किल सीखे? तो एक्चुअल मैकेनिक शॉप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि आपको गाड़ी का ब्रेक चेंज करना, इंजन और ट्रांसमिशन को गाड़ी से पुल करना और उसमें कोई रिपेयर करना, लाइक लेट्स से एनी पार्ट ऑफ द इंजन, तो उसको बेसिकली रिपेयर करना। तो ऐसे लाइक अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्चुअल मैकेनिक शॉप में सीखते हो। तो सुखविंदर, ये चीज़ें आपको जब आप कनाडा में आए थे आपको गाड़ियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, और 3 से 4 सालों में, आई वुड से 2 साल में आपका प्रोग्राम पूरा हुआ, 3rd साल आपने लूप शॉप पे काम किया, 4th साल में आप एक प्रॉपर मैकेनिक की तरह काम कर सकते हैं, राइट। आपने अभी भी इनको लाइसेंस चाहिए, लेकिन आप काफ़ी सारा स्किल सीख गए। तो 4 सालों में आप कैसे आप अपनी जर्नी को देखते हैं कि आपको गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता था और आज आप एक अच्छे मैकेनिक बनने के पाथ पर चल रहे हैं? कि जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, उन जो इंडिया से आना चाहते हैं बच्चे, या फिर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्किल्ड लेबर जॉब्स में जाना चाहते हैं जिनका इंटरेस्ट है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इनमें कैसा फ्यूचर है, स्कोप कैसा है, क्या उनको स्किल्ड लेबर जॉब्स में जाना चाहिए कनाडा में या नहीं, कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन चीज़ों के? सबसे पहले जब हम इंडिया से पहले आते हैं यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ जॉब ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमको अपना फीसेस वगैरह पे करना होता है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पर हम सिर्फ लेबर जॉब ढूंढते हैं, लाइक इट्स हार्ड टू फाइंड अ स्किल लेबर जॉब दैट टाइम, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन वंस आप अपनी स्टडी फिनिश करते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप स्किल लेबर जॉब में ही अपना इंटरेस्ट रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी है और आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है।
सो बहुत ज़रूरी बात सुखविंदर ने यहाँ बताई है, क्योंकि इस कंट्री में आप लेबर को, स्किल्ड लेबर को बहुत ही वैल्यू दी जाती है, अनलाइक इंडिया। इंडिया में ऑटो मैकेनिक शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, हर कोई एक पुअर बैकग्राउंड से आता है, या फिर कोई भी ऐसी स्किल्ड लेबर वाली जॉब हो जिसमें आपको स्किल चाहिए हो मैकेनिक, वेल्डिंग, प्लम्बिंग का, तो वहाँ आप देखते हैं इंडिया में उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती और ना ही उन्हें ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे आकर कैनेडा में कि स्किल की बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर आप इंडिया से ऐसा कोई भी स्किल सीख कर आ सकते हैं, या फिर जैसे सुखविंदर ने कोई स्किल नहीं सीखा था इंडिया से, यहाँ आकर उन्होंने इंटरेस्ट बनाया अपना, सीखा, और आज उन्होंने जैसे बताया इसमें अच्छी सैलरी भी है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ जो है वो चीज़ें रिपेयर कराते नहीं हैं, नहीं ले लेते हैं, और अगर कोई बड़ी चीज़ हो जैसे गाड़ी हो या फिर कोई बड़ी चीज़ हो जिसे वो नया नहीं ले सकते, उसे रिपेयर करवाना हो तो उसके बहुत बिल पे करना पड़ता है, उसके ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और स्किल की भी रिस्पेक्ट होती है कि अगले बंदे ने एक स्किल सीखा है जो कोई चीज़ ठीक कर सकता है। तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो स्किल लेबर जॉब्स में जाना चाहते हैं। इट हैज़ अ वेरी गुड स्कोप कि अगले 5 से 10 सालों में आप क्या देखते हैं, कि अपने आप को कहाँ देखते हैं एज अ मैकेनिक, किस लेवल पर देखते हैं? जब आप फुली लाइसेंस मैकेनिक हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए। लेट्स से कि आप सर्विस एडवाइज़र भी एज अ सर्विस एडवाइज़र अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है, और यहाँ पर लाइक बहुत सारी डीलरशिप होती हैं गाड़ीज़ की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ गुड मनी।